हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम ये MP3 प्लेयर का जो बोर्ड है इसको रिपेयर करने वाले हैं। पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ, इसमें जब हम इसको ऑन करेंगे तो इसमें कोई भी, ये चार्जिंग तो शो करता है लेकिन कोई भी इसमें लाइट वगैरह शो नहीं करता कि ये ऑन हो गया है, या कोई भी इसमें आवाज़ भी नहीं आती है इसमें। मैं आपको स्पीकर बाद में चेक करा दूँगा, अभी देख लें आप इसमें, जैसे कि देख पा रहे होंगे अभी कोई लाइट चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ रेड लाइट चल रही है, वो भी चार्जिंग की लाइट है इसमें। अभी हम इसमें क्या करेंगे, इसमें ये IC है ना जो बड़े वाली, इसको चेंज करेंगे, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या होगा। मेरे पास एक सेम बोर्ड पड़ा हुआ था पुराना, मैंने उसमें से इसकी IC चेंज की है। आप इसकी IC को चेंज करने से पहले डायरेक्ट एक बार इसके डायोड पर भी वोल्टेज देकर चेक कर सकते हैं। मेरे पास ये सेम IC है, मैं ये IC सेम इसमें से चेंज इससे चेंज कर दूंगा। सबसे पहले हम अपनी हॉट गन से इसे थोड़ा से रिमूव करने की कोशिश करते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना है इसमें IC को रिमूव करने के लिए, बिल्कुल हल्के से हाथ से IC को पकड़ना है और उठाना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। अगर आप इसमें ज़्यादा इसे जोर लगाओगे तो हो सकता है कि आपके प्रिंट उखड़ जाएं। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इन प्रिंट्स को अपने आयरन से थोड़ा साफ कर लेंगे ताकि ये अच्छे से, जब हम IC रखें दूसरी, वो अच्छी से इसमें रखी जाए और सोल्डिंग में आसानी हो। मैंने इसको क्लीन कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। और एक और बात का ध्यान रखना है हमें, इसको जो आयरन से जब इसको क्लीन करेंगे तो बाहर से अंदर की तरफ क्लीन करना है, इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना है। जो IC की पिन है उनको भी अच्छे से हम साफ कर लेंगे आयरन से एक बार, उसके बाद ही हम इसे इसमें लगाएंगे ताकि इसमें थोड़ी सोल्डरिंग वायर लग जाए जिससे ये। अभी हमने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है, अभी हम अपनी IC को इस पर रखेंगे, जो हमने दूसरी IC इसमें चेंज करनी है उसको लगाएंगे इसमें। अभी आसानी से सोल्ड हो जाए। और ये जो हमने अभी आपको दिखाया है इसका जरूर ध्यान रखना है, उसमें भी एक IC पे भी निशान बना हुआ है और बोर्ड में भी एक निशान होता है, ये दोनों निशान एक ही साइड में होने चाहिए। अभी हम इसको रखेंगे एक बार, देखिए एक बार जैसे ही सेट हो जाती है अच्छे से, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपने आयरन से ना एक बार इसको इसकी एक पिन को सोल्ड कर देंगे किसी भी एक पिन को सोल्ड कर देंगे। और इसी प्रकार से एक पिन दूसरी साइड की भी सोल्ड करेंगे हम आयरन से ही। अभी हमारी IC लगभग फिक्स हो गई है अच्छे से, अब ये हिलेगी नहीं, इससे हम चाहे तो आयरन से भी सोल्ड कर सकते हैं पूरी, और चाहे तो आप इसे सोल्डरिंग मशीन से भी सोल्ड कर सकते हैं। मैं इसको अभी आयरन से ही कर रहा हूँ, अभी मैंने एक पिन को दूसरी साइड की भी एक पिन को सोल्ड कर दिया है।
अब ये सोल्डरिंग आयरन से एक बार सोल्ड कर दिया मैंने लगभग सारी पिनें, और अब मैं इसको एक बार अपनी एसएमडी से भी इसे एक बार हीट दे दूंगा ताकि जो सारी जो कनेक्शन है हमारे वो अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे। ध्यान रखना हमें एक जगह पर ज़्यादा देर तक इसे वो हॉट गन से हीट नहीं देनी है, इससे क्या होता है कई बार ज़्यादा हीट की वजह से हमारा बोर्ड भी डैमेज हो सकता है। और अब आपने ध्यान रखना है कि आईसी, अब जब आप से एसएमडी से यूज़ करेंगे तो आईसी हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आईसी हिलेगा तो हो सकता है कि वो दोबारा से आपको कनेक्शन बिगड़ जाए और दोबारा से आपको इसे लगाना पड़े। अभी हमारी ये आईसी लग चुकी है, अब हम इसमें दोबारा सप्लाई देकर एक बार चेक करेंगे।